हेलो स्टूडेंट्स मैं आशा मिश्रा फ्रॉम एस आर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ आज मेरा थर्ड लेक्चर है जो कि रिलेटेड है आपका जो आपने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ सॉयल मैकेनिक्स पढ़ा था हमने फॉर्मूले और कुछ रिलेशन देखे थे तो उसके बीच में uh, जो न्यूमेरिकल्स हैं हमें वो सॉल्व करने हैं उन फॉर्मूले पे बेस्ड प्लस सॉयल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन होगा कि कैसे सॉइल हमारा बनता है सो लेट स्टार्ट विथ टू टॉपिक तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट uh, न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या है सॉयल सैम्पल इज़ पार्शली सेचूरेटड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं साथ ही साथ अंडरलाइन भी करती चली जाऊंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टर्म्स हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे तो अ सॉयल सैम्पल इज़ पार्शली सैचूरेटेड एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट वाज 22 परसेंट एंड बल्क डेंसिटी वाज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राइट इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.65 पॉइंट सिक्स फाइव डिटर्माइन डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वाइड रेशियो ठीक है अब सबसे पहला काम जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमें सबसे पहले दो चीजें करनी होंगी पहला तो जो गिवन डेटा है हमको उसको नोट करना होगा जो आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा उसके बाद जो हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमको देखना है वो कि किसको हमको फाइंड आउट करना है तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन डेटा की बात करते हैं कौन कौन से डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पे आप देखेंगे मैंने स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू परसेंट और अगर फ्रैक्शन में देखेंगे डेसिमल में देखेंगे तो पॉइंट ठीक आगे चलते हैं फिर हमें दिया हुआ है बल्क डेंसिटी वॉज टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब इसमें बल्क डेंसिटी दी हुई है हमको तो बल्क डेंसिटी का जो हमारा सिंबल होगा वो होगा हमारा रो एक सेकेंड ये एक्चुअली रो होगा तो ये हमारा होगा रो ठीक है और यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है ये चीज़ ध्यान रखिएगा यूनिट वेट नहीं है जो फॉर्मूले थे वो यूनिट वेट में गामा के फॉर्म में थे हमको सिर्फ करना इतना है अगर वहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है तो डेंसिटी का मतलब होगा यहाँ पे कोई भी डेंसिटी आप लोगों को पता है होता है मास अपॉन वॉल्यूम और किसी भी चीज़ का मास ग्राम्स या केजी में होता है वॉल्यूम हमारी होगी सेंटीमीटर क्यूब तो यानी बल्क डेंसिटी या डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप यूनिट देख लीजिए अगर किलो न्यूटन पर पर मीटर क्यूब है तो यानी वो गामा होगा और अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वो होगा रो तो यहाँ पे हमें बल्क डेंसिटी दी हुई है टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक उसके बाद हमको स्पेसिफिक ग्राविटी की वैल्यू दी हुई है स्पेसिफिक ग्राविटी का सिंबल मैंने ऑलरेडी बताया था होगा जी सिंबल्स याद रखने हैं आपको और ये वैल्यू हमको दी हुई है टू पॉइंट सिक्स फाइव इसके अलावा अगर आप देखें तो एक हमें और चीज मिल रही है कि पार्शली सेचूरेटेड सॉइल है पार्शली सेचूरेटेड सॉइल का मतलब ये हुआ ना तो वो फुली सेचूरेटेड है ना वो परफेक्टली ड्राई सॉइल है ठीक है तो यानी एस की वैल्यू जीरो या वन ऐसा कुछ नहीं होगा उसके बीच में होगी ठीक अब निकालना क्या क्या है डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वाइड रेशियो आपको सिंबल पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाओगे तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन जिसका सिंबल होता है एस वाइड रेशियो जिसका सिंबल होता है स्मॉल ई यानी आपको कैपिटल एस और स्मॉल ई e की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो स्टार्ट करते हैं जो भी गिवन डेटा है हम वहां से कोशिश करेंगे निकालने की वैल्यूज तो सबसे पहले हमने रो डी अब देखिए यहां पे वाटर कंटेंट दिया हुआ है और हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो दिया हुआ है तो हमने लास्ट जब स्लाइड देखी थी तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रोडी इज इक्वल टू रो अपॉन प्लस डब्लू यानी डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशन है जिससे हमें ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी तो हमने यहां पर रोडी की वैल्यू को कैलकुलेट किया आपको खाली वैल्यू सब्सिटी करनी है डायरेक्टली फॉर्मूले में ये आ गया टू डब्ल्यू की जगह पे आपने रख दिया पॉइंट टू टू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बहुत इजी कैलकुलेशन हैं तो आप लोग कर लोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है आप इसको सिंपल सॉल्व करना तो आपका जो वैल्यू आएगी ड्राई डेंसिटी की वो आ जाएगी 1.639 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये जो वैल्यू है ये है आपका ड्राई डेंसिटी ठीक है अब आगे चलते हैं अब अगर हमें वॉइड रेशियो निकालना है तो लास्ट उसमें मैंने बताया था वाइट रेशियो और ड्राई डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है रो डी इज इक्वल टू तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई ठीक है ये फॉर्मूला एक बार फिर से बता दूं कहां से आया है आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था रो का जी प्लस ई एस रो डब्लू अपॉन वन प्लस ई ये बेसिक फॉर्मूला था गामा अगर होगा तो यहां पे गामा हो जाएगा और यहां पे गामा डब्लू हो जाएगा फिलहाल रो देखते हैं तो रो इज इक्वल टू जी प्लस ई एस रो डब्लू अपॉन वन प्लस ई e, आपका बेसिक फॉर्मुला है बल्क डेंसिटी का अब इसमें रो डी का कहां से आ गया रो डी मतलब ड्राई डेंसिटी ड्राई डेंसिटी किसकी होगी ड्राई सॉइल की होगी अगर आपका सॉइल ड्राई है तो यहां पे एस की वैल्यू हो जाएगी जीरो सब्सिट्यूट करोगे आप तो रो डी आपको मिल जाएगा जी ये पूरा टर्म हो गया हमारा जीरो तो जी रो डब्लू अपॉन वन प्लस ई ये फॉर्मूला आपको यहां पर मिल जाएगा तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है ये आपका रो डब्ल्यू हो गया इसी फॉर्मूले को हमने यहां पे यूज किया है रोडी इज इकुल टू तो जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई मैंने बता दिया कहाँ से ये फार्मूला आपका निकल करके आएगा आप डायरेक्टली याद रखिए उसमें कोई बहुत डिराइव करने की जरूरत नहीं है अब वैल्यू जरा सब्सिट्यूट करते हैं रोडी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जी हमको गिवन है रो डब्ल्यू ड़ की वैल्यू भी हमको पता है वन होती है गामा डब्ल्यू ड़ नाइन पॉइंट एट वन होगा रो डब्ल्यू ड़ होगा वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये भी याद रखना है इसके बाद ई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक तो सब्सटीट्यूशन किया इसकी वैल्यू रखी इसकी वैल्यू है टू पॉइंट सिक्स फाइव रो डब्ल्यू वन हो गया ई जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे पूरा इस वाली इक्वेशन को तो यहाँ से आपको ई की वैल्यू निकल करके मिल जाएगी और ये आपका हो जाएगा एक आंसर आप देखें आपको फाइंड आउट करना था ई e. तो ये हमने यहां पे निकाल लिया सिंपल था याद रखें जो ई e है उसके लिए या तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे रोडी वाला मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही फार्मूला यूज करेंगे या फिर अगर वॉल्यूम गिवन है आपको तो ई इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस भी यूज कर सकते हैं ठीक है या अगर पोरोसिटी गिवन है तो पोरोसिटी और ई e का रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं तो तीन फार्मूले हैं जनरली पोरोसिटी वाला हो गया उसका बेसिक फार्मूला हो गया ई e का और तीसरा फार्मूला हो गया रो डी का तो याद रखिएगा पहले कोशिश करिएगा इनमें से कोई वैल्यू से ई e हमारी निकल आए ठीक अब अगली चीज़ जो डिटरमाइन करनी है वो है आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन ठीक है अब देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए जो जनरली मोस्ट मोस्टली फार्मूला यूज होता है वो होगा ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू ठीक है ये भी मैंने बताया था कहाँ से आया है तो डेरिवेशन नहीं बता रही सीधे फॉर्मूला है ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू अब इसमें देखो ई हमको पता है जी पता है और W भी पता है हमारा अनो है खाली एस ठीक है वैल्यू सब्सिट्यूट करो आप ई की वैल्यू रखा जी और W सॉल्व करके इस इक्वेशन को हमको मिल गया यहाँ पे एस की वैल्यू जो कि है हमारी अभी डेसिमल में ठीक है इसको हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है क्योंकि मैंने बताया था पोरो डिग्री ऑफ सेचुरेशन एयर कंटेंट ये सारे वाटर कंटेंट ये सारे आपके आंसर्स जो हैं वो परसेंटेज में आएंगे ठीक है न्यूमेरिकल में आप उसे डेसिमल uh, में यूज करोगे लेकिन जब फाइनल आंसर आप लिखोगे तो वो होना चाहिए परसेंटेज में ठीक ये आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये अब आप जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गई नाइन्टी तो ये हो गया आपका यहाँ से दूसरा आंसर क्लियर हुआ तो हमको दो ही चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन करनी थी और हमने जो फॉर्मूले बेसिक यूज किए हैं ई e के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और एस के लिए हमने ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू तो ये आपको फॉर्मूले मैंने इसीलिए बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि वो छः फॉर्मूले आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि नाइन्टी टू नाइन्टी नु, परसेंट न्यूमेरिकल जो हैं वो उन्हीं फॉर्मूले का आपको यूज़ करके निकाल के आंसर्स देंगे ठीक है अब ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल इसमें जो पॉइंट है आप ये याद रखना जो रो डब्लू है जो कांस्टेंट रहेगा वो ग्राम वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप याद रखेंगे ठीक है अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं अगला न्यूमेरिकल है हमारा इसको देखते हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करके एंड अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल ऑफ सॉइल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ 190 नाइंटी ग्राम ठीक ऑन ओवन ड्राइंग ठीक है मास इज रिड्यूस टू 160 सिक्सटी ग्राम ठीक और एक टर्म यहां पे ओवन ड्राइंग आ गया है इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कहीं कही ना कहीं न्यूमेरिकल को इफेक्ट करेगा मास इज रिड्यूस टू 160 सिक्सटी इफ द सैम्पल हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू कैलकुलेट करना है वाटर कंटेंट यानी स्मॉल डब्लू वॉइड रेशियो डिग्री ऑफ चुरेशन देखिए मैंने यहीं पे सिंबल्स लिख दिए हैं वाटर कंटेंट मतलब स्मॉल डब्लू वॉइड रेशियो स्मॉल और डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस ठीक फिर से स्टार्ट करते हैं वैसे ही पहले हम नोट करेंगे गिवन डेटा ऑलरेडी अंडरलाइन है खाली आप लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है हमने यहाँ नोट कर लिया मास ऑफ सॉइल सैंपल यानी कि टोटल मास ऑफ सॉइल सैंपल हमको दिया है कैपिटल एम वेट नहीं दिया है इसलिए डब्ल्यू नहीं हम एम यूज करेंगे सिंपल सी बात है तो कैपिटल एम हो गया 190 नाइन्टी ग्राम उसके बाद एक और मास दिया है बट ऑन ओवर ड्राइंग द मास इज रिड्यूस टू वन सिक्सटी ग्राम समझिएगा इस चीज को टोटल मास देख लेते हैं पहले टोटल मास हमारा होगा मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर यही होता है क्योंकि मास ऑफ एयर हम कंसिडर नहीं करते तो टोटल सॉइल का मास हो गया अगर पार्शली सैचुरेटेड है तो ठीक है मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड्स ठीक है अब यहां पे ये तो नॉर्मल कंडीशन में था जो हमने 190 लिया हुआ है वो इसके बराबर होगा बट ओवन ड्राई होने के बाद सॉइल का जो मास है वो रिड्यूस हो गया हमारा 160 पे अब ओवन ड्राई करने पे हुआ क्या ऐसा सॉइल के साथ कि हमारा मास कम हो गया जब हमने ओवन ड्राई किया तो जितना भी वाटर था वो हमारा निकल जाएगा और मास ऑफ वाटर हो जाएगा जीरो किसी भी चीज़ को आप सुखा दो गीली मिट्टी है आप उसको सुखा दो सारा पानी निकल गया वॉइड्स में से तो खाली आपका ड्राई सॉइल बचेगा ठीक है तो यानी उस केस में जो मास ऑफ सॉइल हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड्स और इसी मास ऑफ सॉलिड्स को हम बोलते हैं ड्राई मास तो आप चाहे एम डी यूज करो ड्राई मास बोलो या फिर एमएस बोलो मास ऑफ सॉलिड्स बोलो दोनों का मतलब होगा सेम तो यानी ये जो 160 है ये हमारा क्या हो गया मास ऑफ सॉलिड्स या ड्राई मास और यही हमारा बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉइल के आफ्टर ओवन ड्राइंग ठीक तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है इज 160 ग्राम ठीक उसके बाद फिर से स्पेसिफिक आपको पता है सिंबल हो जाएगा अब देखते हैं हमको निकालना क्या है हमने लिख दिया है वाटर कंटेंट निकालना है आपको ई e निकालना है और एस निकालना है अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाटर कंटेंट को देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला क्योंकि हमें मासेस गिवन है यहाँ पे टोटल uh, मास भी दिया है और ड्राई मास भी दिया है तो सबसे पहले हम uh, इसका बेसिक फार्मूला यूज करके निकालने की कोशिश करते हैं विच इज मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स इंटू हंड्रेड हमने फॉर्मूला वेट के फॉर्म में पढ़ा था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स अब हम उसे मास में चेंज uh, कर लेंगे कोई फर्क नहीं आना है तो इट इज मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इंटू हंड्रेड ठीक अब देखिए आप एम एस हमको पता है ये वैल्यू लेकिन एम डब्ल्यू हमको अभी नहीं पता है तो क्या आप एम डब्ल्यू निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज़ करके यहाँ पे अगर हम एम इज़ इक्वल टू एम एस प्लस एम डब्ल्यू ये रिलेशन का यूज़ करें तो यहाँ हमको एम पता है एम एस भी पता है तो यहाँ से एम डब्ल्यू हमारा ईजीली आ जाएगा क्योंकि टोटल मास सॉलिड और वाटर का बराबर होता है सम होता है तो यहाँ पे जब एम डब्ल्यू निकालेंगे तो टोटल मास में से ड्राई मास को या एम एस को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा थर्टी ग्राम्स। अब हमें कुछ नहीं करना इस वैल्यू को जगह थर्टी एम एस की जगह परंटेंट विच इज एटीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ठीक पहला हमारा आंसर आ गया आप सेकेंड पे आते हैं जो कि यह हमारा ई वाइड रेशियो वाइड रेशियो के लिए मैंने बताया था जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने इक्वेशन यूज की थी आप देखो यहां पे मेरे कहा था ज़्यादातर यही इक्वेशन यूज़ होती है या फिर ये वाली हम यहाँ पे भी सेकेंड न्यूमेरिकल में भी इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे अपना वाइड रेशियो निकालने के लिए ठीक है अब आप देखिए जरा वैल्यूज़ जी हमको पता है रो डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है वन हमको पता है ई e की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है अब बचा हमारा रो डी अगर हम रोडी निकाल लें किसी तरीके से तो हम यहाँ पे वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं अब रोडी निकालने के लिए देखिए आप ये क्या है आपका ड्राई डेंसिटी ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैंने कहा था डेंसिटी होती है एम बाय टोटल वॉल्यूम आप ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही लोगे इसमें कोई चेंज नहीं आना है लेकिन जब यहाँ पे डी लगेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा एम डी ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मतलब मास ऑफ ड्राई सॉइल और मास ऑफ ड्राई सॉइल यहां से हमें क्या मिला है वन तो यानी रोडी हम यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके सीधे हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है रोडी आ गया अब हम सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे ये आ गया सारी वैल्यूज आप देखो यहां पर रखी हुई हैं जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका ई e आ जाना है जीरो ये हो गया आपका सेकेंड आंसर ई ठीक है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था इसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं किया जो आपको बहुत याद करना पड़े फॉर्मूले वगैरह तो यहां से हमारा आ गया ई e की वैल्यू लास्ट एस निकालना है एस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था जनरली यही फॉर्मूला यूज होगा तो हमने इस न्यूमेरिकल में भी यही फॉर्मूला देखो यहां पे यूज किया ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू अब यहां पे आप वैल्यूज देख लो ई e हमें पता है जी भी पता है वाटर कंटेंट भी हम फर्स्ट अपने स्टेप में निकाल चुके हैं अब हमें खाली इन वैल्यूज को पुट करना है ध्यान से देखिए ई e हमारा ऑलरेडी डेसिमल में था हमने आज इट इज़ रख दिया जी हो गया अब देखो यहाँ पे वाटर कंटेंट यहाँ पे ध्यान देना जनरली गलती यहीं पे होती है वाटर कंटेंट आपको परसेंटेज में नहीं रखना है आपको रखना है डेसिमल में लेकिन आंसर आप निकालोगे परसेंटेज में तो यहाँ पे वाटर कंटेंट हमने देखो ज़ीरो पॉइंट वन एट सेवन फाइव रखा है अगर आपने यहाँ पे एटीन पॉइंट सेवन फाइव रख दिया वाटर कंटेंट तो आपका हो जाएगा वो गलत याद रखना हमेशा डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो चाहे एयर कंटेंट हो पोरोसिटी हो वाटर कंटेंट हो हमेशा हमको डेसिमल में रखना है कभी भी हम परसेंटेज में नहीं रखेंगे तो ये आपका हो गया यहां से डेसिमल में रखने के बाद ये और अब इसको जब आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ गया 74.44 परसेंट ठीक है यहां से हमने तीनों चीजें निकालनी वाटर कंटेंट आ गया वॉइड रेशियो आ गया और डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर्मूले आप देखो घूम फिर के वाटर कंटेंट वही है ये सेम फार्मूला है और ये सेम फॉर्मूला है यानी फॉर्मूले हमारे चेंज नहीं हुए तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल था नाउ मूव टू द लास्ट वन विच इज आ सोइल सैम्पल हैज़ पोरोसिटी 40 सेंटीमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 कैलकुलेट सेवन रेशियो दैट मीन्स ई ड्राई डेंसिटी नॉट यूनिट वेट ड्राई डेंसिटी means रो डी अब आता है यूनिट वेट यूनिट वेट ऑफ soil फॉर 50% परसेंट यानी यूनिट वेट है तो कहीं ना कहीं गामा होगा और क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड तो है नहीं 50% परसेंट है यानी गामा सेच्यटेड नहीं होगा ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल की कंडीशन है और पार्शली सेचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट होता है हमेशा गामा विच इज बल्क यूनिट वेट याद रखिएगा ये सिर्फ गामा होगा गामा सेचुरेटेड नहीं होगा देख के आप नहीं करेंगे इसे क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है ठीक लास्ट में यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन इट इज कंप्लीटली अब आ गया कंप्लीटली सैचुरेटेड यानी यहां पे जो यूनिट वेट था वो बन जाएगा आपका गामा सेट क्लियर हुआ सिंबल्स क्लियर हुए कैसे करने हैं ये वॉइड रेशियो ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट गामा है क्योंकि पार्शली सैचुरेटेड है यूनिट वेट है गामा क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड है अब स्टार्ट करते हैं पहले हम गिवन डेटा से ठीक है अब आप देख लो पोरोसिटी का मतलब एन फोर्टी परसेंट है फिर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आज पॉइंट फोर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन कैपिटल जी टू पॉइंट सेवन जीरो निकालना है हमको मैंने सिंबल्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कैसे आए हैं यहां पे लिख लिया अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ई e. अब देखो अगर हमें पोरोसिटी पता है तो हम वाइड रेशियो निकाल सकते हैं अगर वाइड रेशियो पता है तो डायरेक्टली पोरोसिटी आ जाएगा तो यहां पे कोई मेजर uh, फॉर्मूला नहीं है सिंपल आपका E इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन ठीक है ये फॉर्मूला हमको यूज करना है और n की वैल्यूज खाली सब्सिट्यूट कर दी विद इन सेकेंड आपका ये पहला आंसर आ गया विच इज वाइड रेशियो ठीक है अब नेक्स्ट उस पर आते हैं अब हमें यहां पे निकालना है ड्राई डेंसिटी फिर से वही चीज ड्राई डेंसिटी और वाइड रेशियो का अगर हमें पता है तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अभी हम इससे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके वाइड रेशियो निकाल रहे थे ई e निकाल रहे थे अब यहां पे ई e पता है हमको सेम फॉर्मूले का यूज करके निकालना है रो डी ठीक है ये फॉर्मूला वही है देखा हुआ है आप लोगों का वैल्यू सब्सिट्यूट करें जरा जी की वैल्यू पता है रो डब्ल्यू पता है ई e हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके आपको यहां पे मिलेगा रोडे की वैल्यू विच इज 1.61 पॉइंट सिक्स वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया आपका सेकेंड आंसर ठीक अब आते हैं तीसरे पे गामा निकालना है विच इज यूनिट वेट फॉर फिफ्टी परसेंट सेचुरेशन ठीक अब आप समझे इसे पचास परसेंट सेचुरेशन के लिए एस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी फिफ्टी परसेंट ठीक है और 50 परसेंट हम यूज़ नहीं करेंगे हम डेसिमल में यूज़ करेंगे तो एस की वैल्यू हम जब सब्सिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगी पॉइंट फाइव फिफ्टी परसेंट सेचुरेशन के लिए अब सीधे फार्मूला लगा देते हैं हमको गामा का फार्मूला पता ही है जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई ये तो बेसिक फार्मूला था ठीक है अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जी भी पता है ई e, एस ये जो वैल्यू होती है ये होती है नाइन पॉइंट एट वन हमेशा कॉन्स्टेंट होगी गामा डब्ल्यू जैसे रो डब्ल्यू वन होती है गामा डब्ल्यू हमेशा नाइन पॉइंट एट वन होगी आपने इसकी वैल्यू रखी यहां पे सब्सटीट्यूट किया जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपका ये तीसरा आंसर आ जाएगा जो कि है आपका गामा विच इज यूनिट वेट फॉर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल और पार्शली सेचूरेटेड में यहां पे लिमिट क्या थी 50 परसेंट ही सेचूरेटेड था अगर 40 परसेंट होता तो पॉइंट फोर रखते 30 परसेंट होता तो पॉइंट थ्री रखते लेकिन फॉर्मूला हमारा यही रहता ठीक है अब लास्ट पे आ जाते हैं गामा अब गामा गामा में, जो मेंचुरेटेड है लिखा भी हुआ है फुली सेचुरेटेड का मतलब जितना भी आपका थे, उन सारे में है हमारा पानी तो एस हमारा हो जाएगा हंड्रेड परसेंट और हंड्रेड परसेंट एस का मतलब होता है एस की वैल्यू वन ठीक अब फॉर्मूला जो आपका गामा वाला फॉर्मूला था उसी में जब आप एस की जगह पे वन रख दोगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा एस हट गया जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई एज सिंपल एज इट तो यहाँ पे आपने वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी सारी गामा डब्ल्यू फिर से नाइन पॉइंट एट वन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाना है गामा सेचुरेटेड विच इज़ वन नाइनटीन पॉइंट एट वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं दिस विल बी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा ये होगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्योंकि ये आपका यूनिट वेट है ठीक है यहां पे भी आपका ये थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगी ये वैल्यू आपकी आएगी per meter cube किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ठीक है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये आपका यूनिट वेट है है डेंसिटी नहीं रो होता है ग्राम में में और गामा होगा हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब राइट तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल तो ये तीन न्यूमेरिकल्स हैं बाकी इस टाइप के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आपको मिल जाएंगे आप प्रैक्टिस करें छह फॉर्मुले हैं उसी में आपको सब्सिट्यूट करके वैल्यूज अननोन इक्वेशन बनानी है उसमें से अननोन वेरिएबल्स आपको निकालने होंगे ठीक है अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं सोइल फॉर्मेशन सॉइल uh, फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि सॉइल हमारा बनता कैसे है और इसमें कुछ नहीं है बस ये सिंपल आपका जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है इट इज़ द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, सी ये चार टर्म्स आपने याद रखने हैं कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक यानी एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ठीक है तो ये चारों प्रोसेसेस का जो कॉम्बिनेशन निकल करके आएगा जब ये चारों प्रोसेसेस एक पेरेंट मटेरियल पे जो कि एक रॉक होता है जब उस पर एक्ट करेंगे ठीक है तो कहीं ना कहीं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे डिस कर देंगे और वही पेरेंट मटेरियल जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो वो बना देगा हमारा सॉइल ठीक है तो ये टर्म्स आपने याद रखने हैं ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होता है पेरेंट रॉक्स का ठीक है और ये जो ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होता है इसको बोलते हैं वेदरिंग यानी सोइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग ठीक है बिकॉज वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक बाय इफेक्ट ऑफ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन राइट तो ये आपका हो गया वेदरिंग अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करेंगे ये पांच हैं ये आपको याद रखने हैं इसका याद करने का तरीका ये है यहाँ से हो गया सी फॉर क्लाइमेट आर इज फॉर रिलीफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर ओ दिस वन इज पी एंड दिस इज टी अगर आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग याद रखना है तो आप क्रॉप याद रखें दिस इज क्रॉप्ट राइट शॉर्टकट है आपका आप इसको याद रख सकते हैं क्रॉप्ट है, cropped है. क्रॉप्ट uh, में सी आपका है uh, जो सी है आपका वो हो जाएगा आपका क्लाइमेट आर uh, हो जाएगा आपका रिलीफ ओ हो जाएगा ऑर्गेनिज्म पी इज़ फॉर पेरेंट मटीरियल एंड टी इज़ फॉर टाइम क्लाइमेट इफेक्ट करता है कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई फिर आपका एकदम से uh, गर्मी आ गई तो होता क्या है क्रैक्स आ जाते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरेंट मटेरियल में जो कि हमारा रॉक है और जिसमें आपके क्रैक्स आने की वजह से सॉइल हमारा ब्रेक uh, कर जाता है ठीक है तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है बहुत सारे ईयर्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद हमारा ये प्रोसेस होता है चलता रहता है कंटिन्यूसली तो क्लाइमेट में ये है रिलीफ का मतलब हुआ कि आपकी टोपोग्राफी कैसी है माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं तो पानी का फ्लो उस तरीके से होगा तो काटते हुए पानी निकलता है तो वो रिलीफ होगा आपका ऑर्गेनिजम्स अगर कोई आपके रैट्स वगैरह हैं या आपके, आपके आ, मतलब बग्स हैं जो आपके सॉइल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे काटते रहते हैं अंडरग्राउंड तो उसकी वजह से आपका ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा पेरेंट मटेरियल किस मिनरल का हमारा रॉक बना हुआ है जल्दी आ, उसमें इफेक्ट होंगी फिजिकल प्रोसेस केमिकल की वजह से या नहीं होगा टाइम टाइम के साथ हमारा प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो इस तरीके से हमारा टाइम भी जो है इफ़ेक्ट करेगा सॉइल फॉर्मेशन में तो ये पांच फैक्टर्स हैं आप इसको याद रखें नेक्स्ट इस टाइप्स ऑफ वेदरिंग दो टाइप की होगी फिजिकल और केमिकल फिजिकल वेदरिंग में आपका सारा मैकेनिकल वेदरिंग होगी ठीक है और सारी की सारी मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से होगा और इसमें जो फिजिकल प्रोसेस होंगे वो होगा आपका टेम्परेचर चेंज ये आपका सर्दी गर्मी एकदम से सेक्ट मतलब इफेक्ट करता है फिर होगा एब्रेशन पानी का बहाव है काटते हुए निकल रहा है पत्थर को तो धीरे धीरे अगर एक ही जगह पे बार बार काटता रहेगा स्क्रैच करता रहेगा तो वहाँ से सॉइल की लेयर रॉक की लेयर निकलना शुरू हो जाएगी वेजिंग एक्शन ऑफ आइस ग्लेशियर्स के बगल में जब आपका आइस बढ़ता है तो वो पत्थर को ठोकर मारते हुए प्रेशर लगाते हुए बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी रॉक का जो सरफेस है आउटर सरफेस वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा तो फिजिकल में ये तीन चीजें आएंगी टेम्परेचर एब्रेशन और ड्रजिंग एक्शन लास्ट है आपका केमिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग में आपका जो भी ओरिजिनल रॉक होगा उसका चेंज हो जाएगा केमिकल फॉर्मेशन केमिकल चेंजेस की वजह से न्यू मिनरल्स में जो ओरिजिनल आपके रॉक के मिनरल्स होंगे उस पर कुछ केमिकल्स इफेक्ट होंगे जिसकी वजह से उसका इंटरनल फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं होता फिजिकल में मिनरल का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता सिर्फ पत्थर कटते जाते हैं लेकिन यहाँ पे वो इंटरनली जो उसका मिनरल uh, का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा इसके बाद आपका uh, जो सॉइल बनता है उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जो आपके पेरेंट मटीरियल की होंगी ठीक है यानी पेरेंट मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी और जो uh, आपका सॉइल बन के आएगा उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएंगी ठीक चार टाइप के केमिकल प्रोसेस होंगे पहला आपका हाइड्रेशन है फिर कार्बोनेशन है ऑक्सीडेशन और सल्यूशन हाइड्रेशन में सिंपल सी बात है वाटर होगा वो काटेगा हमारे रॉक मटेरियल को ठीक है रॉक को कार्बोनेशन uh, में जो सी ओ टू है ठीक है वो हेल्प करेगी सॉइल फॉर्मेशन आप खाली वो याद रखिए कि किस चीज़ से बनेगा हाइड्रेशन में वाटर होगा ठीक है कार्बोनेशन में सी ओ टू जो है वो हमारी इफेक्ट करेगी एटमॉस्फेयर में जो होगी वो पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगी जो पत्थर को काटना शुरू कर देगा ठीक है उसके अंदर जो क्रैक्स होंगे उसमें घुस करके ठीक ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आयन हेल्प करेंगे जब वो मिनरल के साथ जाएंगे तो पत्थर को ऑक्सीडाइज करने में सोल्यूशन में क्या है रॉक के जो खुद के मिनरल्स होंगे वो हमारे पानी के साथ कंबाइन होकर के रॉक फॉर्मेशन में मदद करेंगे ठीक है एक बार फिर से बता देती हूँ हाइड्रेशन में पानी की वजह से रॉक फॉर्मेशन हो मतलब सॉइल फॉर्मेशन होगा रॉक कटना शुरू होगा कार्बोनेशन में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ कंबाइन होकर जो क्रैक्स होंगे उनमें घुसेगी और पत्थर को अंदर से काटना शुरू करेगी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन आयन्स हमारे हेल्प करेंगे और सॉल्यूशन में रॉक के जो खुद के मिनरल हैं वो पानी के साथ कंबाइन होकर के पत्थर को काटेंगे मतलब प, प, पत्थर के खुद के मिनरल्स ने सॉइल बना दिया ठीक तो आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही था इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं वो न्यूमेरिकल्स आप ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें उसी टाइप के हॉर्नमेरिकल्स भी जो छह फॉर्मूले मैंने बताए थे वो आप उसको एक जगह पे लिख करके उसको याद करें और ये सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है जिसमें आपका वेदरिंग इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है तो आप उसको देखें रिवाइज़ करें थैंक यू